हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर प्री मार्केट की वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब में किस तरह से ट्रेड किया जाना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल, क्या व्यू रह सकता है, इसकी पूरी एनालिसिस डेटा और चार्ट इन दोनों के साथ करता हूँ। डेटा और चार्ट की एनालिसिस करने वाला मेरा एक यूट्यूब चैनल यूनिक है, बाकी सब जगह पे आपको सिर्फ चार्ट देखने को मिलता है बट मेरे यहाँ पे डेटा भी देखने को मिलता है। तो जिन लोगों के पास डेटा का डाउट होता है कि डेटा लोग कॉल पुट ऑप्शन चेन ये सब कैसे देखते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लर्निंग मिलती होगी। यहाँ पर आप अगर एक महीने तक फॉलो कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिल जाएगी। सो अब चलिए देखते हैं कि कल क्या किया जा सकता है, कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट कैसा रह सकता है, लेकिन आज हमने जो प्लानिंग करी थी उसमें क्या हुआ हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, आज का जो मार्केट था वो काफी टफ था और मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि मार्केट जो है पूरा साइडवेज और वोलेटाइल रहेगा क्योंकि डेटा उसी हिसाब से दिख रहा था। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी अपडेट करी, सुबह सुबह मैंने आपको 9:51 पर अपडेट करी कि भाई मार्केट जो है थोड़ा सा लिटिल बेरिश लग रहा है। तो निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी 9:51 मतलब यहाँ पे थोड़ी देखा, थोड़ा सा देखें ये लगभग 9:51 का यहाँ से लिटिल बेरिशनेस था, थोड़ा सा बेरिशनेस दिखी। बट उसके बाद तुरंत निफ्टी की जगह पे आप अगर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में बेरिशनेस थी यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंट मिला बट उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई। मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ, ओके, 9:51 बोथ बेरिश टू साइडवेज, तो बेरिश टू साइडवेज का हुआ बट उसके तुरंत बाद जो है कि यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर, सो अवॉइड बेयर स्टेट। अब यहाँ पे देखो मेरी गलती भी है, मैंने आपके साथ क्लियर मेंशन नहीं किया, मेरी गलती है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ कि अच्छा गलती मेरी भी नहीं है क्योंकि आज जो था डेटा थोड़ा सा जहां से मैं देखता हूं ये जो आई चार्ट का प्लेटफॉर्म है उसमें ही कुछ न कुछ समस्या थी। अब मैं वो दिखाऊंगा नहीं आपको बिकॉज वो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी किसी चैनल के किसी के प्लेटफॉर्म के बारे में गलत बातें बोलना, बट ये सही है कि मुझे थोड़ा सा डेटा गलत दिखा, बाद में मैंने वेरीफाई किया फिर मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पर, फिर मैंने प्राइस सेक्शन को देखना शुरू किया। सो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलती है और यहाँ पे मुझे शॉर्ट कवरिंग दिखी और मैंने आपके साथ अपडेट करा कि शॉर्ट कवरिंग जो है कि ट्रिगर हो गई है, तो आप इसको अवॉइड करिए, बुलिश ट्रेड अब मतलब बेयरिश ट्रेड अवॉइड करिए और बुलिश ट्रेड करिए। और बुलिश ट्रेड आपने अगर किया होगा तो आपको बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट लॉस हुआ होगा मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ, और अगर निफ्टी में थोड़ा सा आपने किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बेनिफिट हुआ होगा। तो ये मैंने क्लियर नहीं किया कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे आपको बेयरिश या फिर बुलिश ट्रेड करना चाहिए और क्लियर कट मेंशन नहीं किया, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान हुआ होगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है और मार्केट में पहले से ही क्लियर था कि मार्केट आपका काफी साइडवेज रहेगा। सो यूं देखें तो आज का जो दिन था और मेरा भी लॉस हुआ, आई थिंक मैंने भी आज नेट नेगेटिव पे ही क्लोज हुआ हूँ, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल इन द सेंस की मेरे जो फैमिली अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, नॉर्मल थी, बिकॉज जब देखो मैं हूँ डायरेक्शनल प्लेयर और सेलिंग करता हूँ और जब लगता है कि डायरेक्शनल नहीं रहने वाला तो दिक्कत होती है, तो क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटजी लगाने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। सो ओनली अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो थोड़ा एक नॉर्मल नेगेटिव आज हमारा डे क्लोज हुआ था। बट अब हम देखते हैं कल क्या हो सकता है और मैं इसके लिए आपसे बोलूंगा कि भाई देखो डेटा में कुछ गड़बड़ी थी और यहाँ पे और क्लियर कट था कि भाई मार्केट आपका काफी वोलेटाइल रहने वाला है और उसको आप ध्यान दीजिए। और अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो हमारा जो निफ्टी का लेवल था बाई का, उसने लगभग लगभग थोड़ा सा ऊपर से ही बाउंस बैक कर दिया था, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिला होगा। और बाकी आप अगर बेयरिश ट्रेड के हिसाब से भी मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में बेयरिश ट्रेड लेकर के गए होंगे तो आपने इसके जरिए आपने तुरंत बंद कर दिया होगा और फिर उसके बाद अगर बुलिश ट्रेड किया होगा तो निफ्टी ने आपको थोड़ा रिटर्न दिया होगा बट बैंक निफ्टी ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया होगा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सो अब देखते हैं कल क्या हो सकता है, सिंपली डेटा और चार्ट इन दोनों क्लासेस करते हैं। तो डेटा हमारे पास जो अभी का है वो कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी 9 नवंबर, तो अभी ऑप्शन चैन में अगर आप देखें तो कॉल ज्यादा है, इसका मतलब बेरिस पोजीशन बनी हुई है। सपोर्ट हमारे पास है 19,400 का, रेजिस्टेंस है 19,500 का। अगर 19,400 के ऊपर ओपन हुआ तो 400 के पुट के वाई को देखना है बढ़ जाए और 500 के पुट का वाई बढ़ जाए तो ये समझो कि ऊपर चली जाएगी, और ये सब आपको सुबह सुबह 9:20-25 तक देख लेना है। और अगर 400 के नीचे ओपन होती है, 400 का कॉल का वाई बढ़ जाता है तो ये समझो नीचे चली जाएगी। फिलहाल अभी 350 के भी कॉल के ओआई बढ़े हुए हैं, ओके, तो सिंपली यहाँ पे बेयरिश पोजीशन बनी हुई है स्लाइटली। अब ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि कल कहाँ ओपन होती है निफ्टी। अब निफ्टी के अगर मैं यहाँ पे लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगाट था, एक दूसरे के साथ नहीं थे, अगेंस्ट थे, बट फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये देखिए एक यहाँ पे जो सपोर्ट मिला ना, ये सपोर्ट कल एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल का काम कर सकता है, तो हमें बाइंग करना है सिंपली 19,410 से लेकर के 19,400 तक। अगर हमें कोई भी बाइंग का लेवल मिल जाता है तो हम बाई करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 390 का,
ओके 19,390 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और पहला टारगेट होगा हमारा सीधे सीधे 19,450 का, दूसरा टारगेट होगा 460 का, और फिर एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो पहली प्लानिंग है बाय द डिप का, हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अब दूसरी प्लानिंग क्या है, देखो अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाए इन सब के नीचे तो हम रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे और फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 19,330 का, क्योंकि अगर कल गैप डाउन ओपन हो गई तो रिवर्सल पे हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन हम कंफर्मेशन लेंगे 390 वाला। तो 390 के नीचे अगर चली जाती है, ब्रेक कर देता है वो लेवल, तो रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे, फिर सीधे सीधे टारगेट 330 का, 300 नीचे के 310-20 का हो जाएगा। ऊपर कहां से बाई करेंगे, तो देखो ये जो एक लेवल है ना, एक रेजिस्टेंस का लेवल तो है, ओके, और आज के दिन में जो पोजिशन बनी है वो नेगेटिव पोजिशन बनी है, ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या होगा, यही लेवल कल रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर ये टूट गया तो यहां से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और वो शॉर्ट कवरिंग 500-600 तक चली जाएगी। तो बाइंग का लेवल भी हमारा होगा, अगर कल निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के नॉर्मली आपकी जाती है और यहाँ पे थोड़ा सा भी साइडवेज होने के बाद यहाँ पे अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देती है तो हम बाई का प्लान करेंगे, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हम लेके चलेंगे 550 का और 600 का टारगेट हम लेके चलेंगे, ये बात आप मान लीजिए। तो ये जो लेवल होगा यही वाला, आज का जो हाई है 460-470 का है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगी नॉर्मल ओपन होकर के ऊपर जाती है हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए या फिर नॉर्मल कोई भी पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट अगर करती है तो हम बाई करेंगे, ये बात अच्छे से याद रखिए। ओके, इसके अलावा अगर मुझे कुछ और दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा, आप वहां पे भी अपडेटेड रहिए। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और जिन लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में डेटा कैसे देखते हैं, लॉजिक कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती, तो मैं उनके लिए एक जानकारी देना चाहूँगा। हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं क्लासेस की, फिलहाल जो नई बैच है वो 30 नवंबर से चालू होगी, 30th of November 3030। तो वैसे तो 20 तारीख से ही चालू होती है हर महीने, बट ये वाली डेट मैंने थोड़ी सी एक्सटेंड कर रखी है, तो 30 नवंबर से चालू होगी। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो वहाँ पे काफ़ी कुछ मैं सिखाता हूँ, 20 से 25 दिन की क्लासेस होती है, 5,000 रुपये की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। और ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए जो मेरे होम पेज पे चल पड़ा है, और इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी है, आप इसको देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। और आपको अगर क्लास ज्वाइन करना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो इस नंबर पर कॉल करके कन्फ्यूजन में अपना पूछ सकते हैं। सो आप अगर जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपका वेलकम है। अब देखते हैं आगे बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी के बाद से उसकी पहला डेट होगा, तो हम आज वाला नहीं देखेंगे, हम 15 वाला देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा बना, यहाँ पे कॉल ज्यादा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनी हुई है और इंट्राडे में भी बेरिश पोजीशन बनाई गई है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो 43,700 का रेजिस्टेंस है और 43,500 का सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी लगभग 200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब इसके अगर हम लेवल्स को देखना चाहें तो लेवल का इसका मार्केट का मैं दे रहा हूँ आपको, याद रखिए निफ्टी बाद जो बैंक निफ्टी है ना, थोड़ी सी इसने आज बेरिशनेस ज्यादा स्लो करी थी, मतलब ये उसके कंपेरिजन में ज्यादा बेरिश थी। ओके, तो ये जो एक रेंज बनी है ना, इस रेंज के ब्रेक होने पे नीचे शॉर्ट सेलिंग आएगी, मतलब नीचे तुरंत लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगी, और ये लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग चालू होगी। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जाएगी तो फर्दर शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग होगी और वो नीचे लेके चली जाएगी, और अगर ऊपर जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग होगी, वो ऊपर लेके चली जाएगी, ये बात याद रखिए। इसी लेवल्स को हम ध्यान देंगे, तो सिंपली यहाँ पे समझते हैं कैसे, और डेटा भी उसी हिसाब से सेपअप हो रहा है। तो हम इसमें इस लेवल के ब्रेक होने पर, जो कि हमारा है 43547, तो 40 मान लो, 540 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो रिवर्सल पे हम शॉर्ट करेंगे, पहला टारगेट हमारा सीधे से हो जाएगा 380 का और दूसरा टारगेट 290-300 का हो जाएगा, रिवर्सल पे हम शॉर्ट करेंगे, ये बात अच्छे से याद रखिए। प्लस यहाँ पे देखिए एक हायर हाई का थोड़ा बहुत यहाँ पे एक इनवर्स एंड शोल्डर टाइप भी पैटर्न बना है और ये ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रेश सेलिंग हुई है, और अगर ये निकाल दिया बैंक निफ्टी ने तो फिर से बुलिश नोच जाएगी। तो हम बुलिश कहाँ पे होंगे, देखो बुलिश हम होंगे इसके ऊपर जो कि हमारा 43795, तो 795 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो और टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 44,000 का, 900 का और 44,000 का आप टारगेट पकड़ के चल सकते हो, इसके नीचे सेल करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे। इसके रेंज में रहने पे आप छोटे छोटे टारगेट्स प्ले कर सकते हो, बट रेंज में मुझे लगता है कि रेंज में रहने पे आपको दिक्कत होगी, रेंज को ब्रेक करने देना तब एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। फिर निफ्टी का भी सेम तरह से लॉजिक होगा, आप अगर देखना चाहें यहाँ पे तो सिंपली फिर निफ्टी का भी मैं कैश का लेवल ही दे रहा हूँ, सेम यहाँ पे भी लॉजिक है, और फिर निफ्टी उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बेरिश है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना था,
दोबारा यहाँ पर रजिस्टर बना, तीसरी बार भी यहाँ पर रजिस्टर बना, नीचे चला गया। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक फर्दर बुलिशनेस ही होगी, और इसके बाद भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये नहीं लेवल ब्रेक होगा तब तक फर्दर बुलिशनेस इसमें नहीं आ सकती, और नीचे की तरफ हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो। ये बात अच्छे से याद रखिए। तो हम दो तरह से प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे फिन निफ्टी में भी सेम लॉजिक है, सीधे सीधे 19457 है तो 460 इसका लेवल ब्रेक होने पर हम शॉर्ट करेंगे, रिवर्सल पर शॉर्ट करेंगे। याद रखना एक चीज मैं बता दूं, जो लोग नए हैं उनको समझा दूं, जो कुछ भी नए भी होंगे आज और कुछ लोगों को शायद नहीं समझाता हो। देखो पहले सबसे पहले आप ट्रेंड क्लियर करो कि आपका ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड का कंफर्मेशन होने दो। ट्रेंड का कंफर्मेशन एक बार हो जाए कि हाँ भैया बेरिस है, हाँ भैया बुलिस है, कंफर्म हो चुका है कि बुलिस है बेरिस है, देन उसके बाद आप जब ट्रेड करते हो ना, तो उसमें ट्रेड करने पे आपकी एंट्री दो तरह से होती है। अगर आपका बुलिस ट्रेड कंफर्म हो गया है, ट्रेंड कंफर्म हो गया है, तो आप बाय द डिप का प्लान करो, और अगर बेरिश ट्रेड कंफर्म हो गया तो सेल ऑन राइज का प्लान करो। इसमें क्या होगा, आपका सेफ रहेगा जोन, और आप सिंपली वहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो जिसमें टारगेट बड़ा रहने की उम्मीद होती है। आप अगर नॉर्मल ट्रेड करोगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे तो आपको दिक्कत होगी, और आप वहाँ पे आपके ट्रैप होने का भी चांस ज्यादा रहता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले दो तीन दिनों से कह रहा हूँ कि बाय द डिप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी बाय द डिप हुए हैं सब में अच्छा खासा टारगेट मिला। यहाँ पे भी एक बार बाय द डिप में भी टारगेट ही मिला है लगभग ऊपर की तरफ, बट मार्केट उतना सही नहीं था, डेटा उतने सेफ अप नहीं थे, तो इसकी वजह से आपको बड़ी मोमेंट नहीं मिली, बट ओवरऑल अगर देखें तो स्लाइटली वो जो है कि पॉजिटिवनेस थी। तो सिंपली जब भी आप ये देख रहे हो तो आप सिंपली सेल ऑन राइज और बाय द डिप का प्लान करो। तो यहाँ पे ये लेवल आपका ब्रेक हो जाएगा तो सेल ऑन राइज करेंगे, यानी ऊपर जाने के बाद शॉर्ट करेंगे। ये बात अच्छे से याद रखिए, स्टॉप लॉस जो होगा उसमें 520 का ही हो जाएगा, टारगेट उसमें सीधे सीधे मैंने आपको बताया, तो सेल यहाँ पे करेंगे, और ऊपर जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक हम बुलिशनेस नहीं आएगी, ये भी याद रखिए। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स का कल थर्सडे होगा, तो उसमें लिक्विडिटी रहती है, और नए लोगों को ये बता दूं कि जो लोग सेंसेक्स में निफ्टी सेंसेक्स में जो ट्रेड करते हैं वो आई चार्ट, क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग व्यू, वो अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख करके ट्रेड करते हैं तो उनको दिक्कत होगी क्योंकि ये डिले रहता है। तो आपको अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म देखना चाहिए, वहां पे आपको जो चार्ट मिलेगा वो लाइव चार्ट मिलेंगे। सेम वैसे इसमें ओपनिंग पे सेलिंग हो गया और यहाँ पे बाइंग का रिवर्सल आया था। आई थिंक हमने यहाँ पे प्लान किया था बाइंग का, कल वाले लेवल में से जो सेंसेक्स था यही बाइंग का लेवल था, और इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और टारगेट हमें तो कम मिला है बट ओवरऑल देखें अगर तो एक अच्छा खासा मोमेंट हमें मिला है। तो कल जो हमारा सेंसेक्स का बाई का लेवल था उसने बहुत ही परफेक्ट काम किया हुआ है, तो ये अच्छा एक ट्रेड आपको अगर मिला होगा सेंसेक्स में। ओके बट आप लोग ज्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी फोकस करते हो, बट मेरा ये कहना है कि हर जगह पे ट्रेड करो, जहां पे सही सेटअप बने वहां पे ट्रेड करो, जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे ट्रेड मत करो, ये बात अच्छे से याद रखो। ओके तो यही जो लेवल है इसके ब्रेक होने पे फिर से सेलिंग आएगी जो कि कंटिन्यू करेगी 64670 तक। तो ये लेवल हम ब्रेक होने पर शॉर्ट करेंगे जो कि है 64850। ब्रेक हो जाएगा, रिवर्सल होगा, तब शॉर्ट करेंगे, सीधे सीधे टारगेट 64671 या 70 का टारगेट हो जाएगा, इसके ऊपर बाई करेंगे। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक फर्दर बुलिशनेस नहीं आएगी, तो हम इसके ऊपर ब्रेक होने पे हम बाई करेंगे। वो भी याद रखो, ऊपर जाने पे नीचे आने दो, फिर ऊपर जाने दो, जब दोबारा ब्रेकआउट होगा तब बाई करेंगे, जिसको डबल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मैं कहता हूं। इसका मतलब यह है, जो लोग नए हैं उनको दिखा दूं, सिखा दूं, समझा दूं, एक बार आपका लेवल ब्रेक होने दो। तो पहला पॉइंट होता है लेवल का ब्रेक होना। ओके अब ऐसा नहीं कि लेवल ब्रेक होने के बाद वो चला ही जाएगा, वो हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, फेक ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं। तो एक बार उस लेवल को ब्रेक करने दो, यानी कि रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करने दो, देन उसके बाद प्राइस नीचे आने दो, फिर से जब दोबारा उस हाई को ब्रेक करे जो कि हाई बना था, तब आप बाई करो। तो यहाँ पे कंफर्मेशन रहता है कि आपका एक ट्रेड सही मिलेगा, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा जैसा कि मैंने आपको अभी अभी समझाया डबल ब्रेकआउट का सिस्टम। ओके अब इसको मैं समझाऊं जैसे छोटे छोटे वर्ड में यहाँ पे समझाऊं, तो देखो यहीं पे देख लो आप लोग, कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो, जैसे आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ये सब पूरा रेजिस्टेंस का एरिया था, ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ऊपर गया और फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन होना, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके या फिर अगर और एग्जैक्ट मैं दिखाना चाहूँ डबल ब्रेकआउट का सिस्टम, तो डबल ब्रेकआउट का सिस्टम तो अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तकलीफ होगी, यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है तो यहाँ पे और दिक्कत तकलीफ होगी। ओके बहुत कम बन रहे हैं, तो मैं सिंपली आप लॉजिक याद रखो कि आप इसको जब आपका ये लेवल ब्रेक करेगा, पहली बात तो इस लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वो कैंडल नीचे आने दो, और फिर मतलब उसके बाद प्राइस को नीचे आने दो, फिर उसके बाद जब वो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसका हाई ब्रेक होगा तब आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस जो स्विंग लो बनेगा उसका। टारगेट आपका सीधे सीधे 6525 240 का और 300 का हो जाए
रहेगा। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और सेंसेक्स में हमारी कर किस तरीके स्टेट कर सकते हैं, ये लॉजिक हमने बताया। मार्केट थोड़ा सा बेरिश है बिकॉज आज के दिन में डेटा जो है थोड़ी सी बेरिश है, तो हमारा जो ट्रेड का व्यू होगा वो बेरिश टू साइडवेज का रहेगा। और निफ्टी में हीरो जीरो आपको मिलने की उम्मीद कम है, तो बेटर है कि आप हीरो जीरो मत करिए। हाँ, अगर मुझे बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग अनवाइंडिंग दिखेगी सो मैं आपको बताऊंगा कि हीरो जीरो करना है, अदरवाइज आप हीरो जीरो का प्लान मत करो। ओके, सो ये एनालिसिस थी कल के लिए जो कि 9 नवंबर को होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपका कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरे काफी वीडियोस हैं तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, मैं स्टॉक की वेला से शेयर करता हूं, सो काफी लर्निंग आपको मिलेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मार्केट में सही तरीके से एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट में आप अगर जाओगे तो प्लेलिस्ट में मेरे स्टॉक अपॉर्चुनिटीज करके एक सेक्शन है, यहाँ पे ये वाली स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज। इस सीरीज में यानी इस प्लेलिस्ट में जितने भी स्टॉक मैंने रिसर्च करे हैं, मैं कैसे रिसर्च करता हूं, कैसे रिसर्च क्या क्या चीजें देखता हूं, वो आपको अगर सीखना है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, पूरी सीरीज देखिए। इसमें जितने भी स्टॉक मैंने आपको डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ जाएगा किन किन, और इसमें से लगभग 70% स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है जब से मैंने इसको वीडियो अपलोड किया हुआ है यहाँ पे। सो प्रॉपर एक अच्छी लर्निंग सीखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, सभी वीडियोस देखिए, काफी कुछ आपको समझ में आएगा कैसे स्टॉक एनालिसिस करते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो जाए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है, मेरी टीम है आपको जवाब देगी। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।